हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका मलिक फैमिली ब्लॉग में। और बज रहे हैं 9 एज यूजुअल, विकास कर रहे हैं नाश्ता। लेकिन आज रात बहुत देर से सोए और पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आई, काफ़ी लेट हो गया। 2-2.5 बजे जाके नींद आई और यशांत का आज फर्स्ट डे था स्कूल का, और हम तीनों के तीनों, इनफैक्ट विकास भी, सोते ही रह गए। 7:45 बजे आँख खुली, 7 बजे बस आनी थी, मैसेज आया तो आँख खुली। उसके बाद फिर यही लगा अब क्या भागम भाग करूँ, चलो छोड़ो। एक दो दिन अभी वैसे भी पढ़ाई वगैरह ऐसी कोई होगी नहीं, सिर्फ होमवर्क वगैरह ही वो होंगे कि सबमिट। मैंने चल बेटा आज तो छुट्टी कर ले, हो गया बस, नहीं खुली आज आग, क्या कर सकते हैं। और ये पतिदेव एज यूजल कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। आज फिर इनको जाना है गुड़गांव, और ब्रेकफास्ट में आज मैंने इनको दे रखा है दूध और पराठा, और मैं पी रही हूँ अपना पानी क्योंकि मेरा अभी ब्रेकफास्ट करने का कोई मूड नहीं है ना यशांश का। पहले हम नहाएंगे धोएंगे माँ बेटा, पानी पी लूँ और फिर जाती हूँ नहाने। जैसा कि आपको पता है, सुबह पता ही था कि मैं रात सो नहीं पाई थी, और अब मैं ड्राइंग रूम में लेटी हुई थी। मेरे को पता सोफे पे ज़्यादा अच्छी नहीं था, और मैं लेटे लेटे सो गई। और विकास का फोन है बीच में, यशांश से कह रहे लो अपनी माँ से बता दे सुन दे। हम आग खुली है, आग खुल गई, मुझे खुशबू से आई, मैंने कहा देख क्या उन्नीस ने क्या बनाया। तो इसने खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी छोंकी है इसने, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू तो मैं सोच के आई थी कुछ स्पेशल सा होगा, हालांकि ये पूरी न्यूट्रिशियस होती है, अच्छी होती है, बट मेरा कोई मूड नहीं है इसे खाने का। और मैंने अब एक टिफिन ऑर्डर करा क्योंकि मैंने उठ के देखा तो टाइम हुआ, हालांकि सुबह का आटा भी मला हुआ रखा है, विकास खाना लेके गए थे, सब्जी भी रखी है लोगी, बस मेरा मूड नहीं है खाने का, तो मैं आलसी क्या टिफिन ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा ठीक है माँ बैठा गया खाएंगे और फिर से सो जाएंगे, किसी नींद पूरी नहीं। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच चुके हैं शाम के 5, और मैं जा रही हूँ नोएडा। नोएडा में किस काम से जा रही हूँ, एक्चुअली मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। मैं और निशु जा रहे हैं साथ में दोनों, तो उसने कहा चल दीदी मैं भी चलती हूँ, दोनों चलेंगे साथ में, क्योंकि वो भी देख रही है कि दीदी को पेन है, तो दोनों बहनें जा रही हैं डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर मेरी बहुत पुरानी है, यशांश के टाइम की डॉक्टर है, उनको ही मैं दिखाती हूँ, तो देखते हैं क्या देंगी। मुझे लग रहा है जहाँ तक लग रहा है कि शरीर में अब थोड़ी सी कमियाँ हो गई है विटामिन्स की, मिनरल्स की, और भाई और भी बहुत सारी चीज़ों की। हालांकि निशु कह रही है कि दीदी मुझे लग रहा है कि विटामिन डी की कमी हुई है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या आता है। और ये मेरा आज का आउटफिट है, और मेरी जूती बताना गाइस कैसी लग रही हैं, ये जूतियाँ चाची लेके आई थी। और आजकल मुझे ना जूतियाँ पहनने का खुमार चढ़ा हुआ है क्योंकि मुझे जूती बहुत कंफर्टेबल लगती है, तो जूतियाँ ही मैं पहनती हूँ। और निशु ने मुझे बोला था कि दीदी ठीक है 5 बजे चलेंगे क्योंकि आदित्य हमें छोड़ के चला जाएगा ऑफिस, और अभी तक महारानी अपने आप रेडी नहीं हुई है, अभी इनका लिपस्टिक सेशन चल रहा है। चले हीरोइन चल, तो चले गए, चलते हैं नोएडा। तो गाइज आए थे हम डॉक्टर के यहाँ, बट डॉक्टर नहीं मिली, रीज़न उनका कोई केस आ गया, अपॉइंटमेंट था हमारा 6:30 का। अब वो कह रही है कि आप लोग मिलिएगा 8 बजे, तो अब देखते हैं कहाँ बैठेंगे 1.25 घंटे के लिए, क्योंकि आदित्य तो हमें छोड़ के चला गया ऑफिस, उसका तो ऑफिस था। अब मैं कहा भाई चल तू छोड़ दे, हो सकता है विकास आ जाए जब तक ऑफिस से, तो उनसे कहती हूँ फिर पिकअप करने वो आ जाएंगे। तो ये है जी फजीते गर्मी में, फिर तो रहो धक्के खाते। अब कैब करेंगे, कैब से पहुँचेंगे जहाँ भी पहुँचना है। शाम का टाइम हो गया और पापा आ गए। आ गए पापा? हाँ ना, मैं भूत आया। भूत आया आपका? हाँ। क्या खा रहे हो ये तो बताओ। घेवर खा रहा हूँ। मेरे भी तेरे भी ना, तू मेरे सब काम करता है। टेस्टी है वैसे घेवर? घेवर टेस्टी है, और लाएंगे, ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए आया था, और लाएंगे थोड़ा। मजा आ गया। माँ कहाँ है? माँ गई हुई है पापा। पापा आज ना मेरा एक चीज खाने का मन कर रहा है, वो जो पीछे वो मोमो सब वाला नहीं है, उसके जो पनीर मोमो देता है वो बटर लगा के, वो खिलवा दो यार पापा, पापा खिलवा दो पापा।
पापा खिलवा दो अपने बेटे के साथ। पापा खिलवा दो, उसके इतने टेस्टी मोमोज हैं। वो उस पर भाई गंदी तरीके से बटर लगाता है, मतलब बटर की कोई हद नहीं होती, इतना बटर लगाता है और बहुत टेस्टी। अनहेल्दी चीज़ें तो टेस्टी लगती हैं, ये बात तो है। चलते हैं अभी कुछ सामान भी लेना है अपने को। निकल चुके हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया था हमें कुछ सामान लेना था। है पापा सामान लेने जाना है। हमें जाना है कहाँ पे? कहाँ पर? राजनगर। राजनगर में तो हम पहले से ही हैं। हम राजनगर एक्सटेंशन में। अच्छा, मतलब आप कितने दिनों से जा रहे हैं यहाँ पे? पापा हमें सालों हो गए यहाँ रहते हुए। तुम्हें तो नहीं पता चला आज तक? पापा पता नहीं क्यों आज तक मुझे सच्ची नहीं पता चला। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। तुम्हारा क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होगा? नहीं। सही बात है, कैसे हो सकता है, है ना? अभी निकल चुके हम सामान लेने, और जैसे और मेरे पापा की बात हुई थी, मैंने पापा को मना लिया मोमोज के लिए। है पापा खिलवाओगे? हाँ मैंने मना कब करी, खिलवाऊंगा पक्का। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कब खिलवाऊंगा। है ये क्या बात हुई पापा? चलो ठीक है, आप खिलवाओगे तो ना? खिलवाऊंगा, ये बात पक्की है। पक्का? तो आज खिलवाऊ, कल खिलवाऊ, परसों खिलवाऊ, एक साल बाद खिलवाओ? एक साल बाद खिलवाऊ, मेरे ऊपर है। अच्छा खिलवाओगे जरूर? लेकिन खिलवाऊंगा पक्का। पक्का? ये बात बिल्कुल पक्की है। अच्छा चलो चलते हैं सामान लेने। सामान ले लिया? ले लिया पापा सामान? सामान ले लिया, डिग्गी में रख दिया। रख दिया डिग्गी में। और अब हम चल रहे हैं। चल रहे हैं तो बोले किधर? किधर चल रहे हैं अपन? किधर अपन चल रहे हैं? किधर किधर बताओ, जगह का नाम बताओ। अपन चल रहे हैं नोएडा। है? यस। अरे सरप्राइज दे दिया आपने तो पापा मुझे। ये मुझे भी नहीं पता था। चलो फिर चलते हैं नोएडा, चलते हैं कुछ खा लेंगे नोएडा में। पहले मैं हेडलाइट देता हूं, आनी सी होगी तो। अब आगे का वो लेफ्ट वाला बल्ब, वो राइट, सॉरी राइट वाला बल्ब फ्यूज हो गया। वो पता नहीं कैसे हुआ, अभी जब हम यहाँ पर आ रहे थे बढ़िया चल रहा था, एकदम बढ़िया मस्त। अब पता नहीं क्या हुआ, देखते हैं। पापा क्या हुआ? एक स्कर्ट, एक बल्ब फ्यूज हो गया। अरे पापा। और अच्छा, मतलब हमारे ऊपर ना जी कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना हमारे, जी बहुत खराब हो रहे हैं आजकल। आज इसका बल्ब फ्यूज हो गया। बेल्ट लगाने जी, बहुत इम्पोर्टेंट काम है बेल्ट लगाना। तो फाइनली दिखा लिया डॉक्टर को, और विटामिन डी की कमी आई है, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। और पैर में हो गया मेरे छाला, जूतियों ने काट दिया मुझे। लेकिन अब थोड़ा सा डॉक्टर आई बेचारी, आने में उसको 9 बज गए, 9:45। और विकास आ गए अब हमें लेने, क्योंकि वही अब पतिदेव देख नहीं पाए कि मेरी पत्नी ऑटो में धक्के खा रही है जी। सही बात है, एक का पति छोड़ गया, एक का लिया। मिल बांट के काम कर ले, अब घर चलते हैं। वैसे भूख लग रही है, यशांश भी कह रहा है कुछ खाना है, और विकास भी कह रहे हैं, और निशु भी कह रही है। हालांकि निशु का मन है, निशु कह रही थी मुझे कुछ फ्रूट खिला दो, चल भैया तू फ्रूट खा लिया, तेरी मर्जी। चलो जी, ओके जी। माँ 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 क्या खाने जा रही हो? मैं गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। खाओ। नमक क्यों नहीं आया? हाँ आलू वाले चटनी खूब। चलो अब माँ गई है गोलगप्पे खाने, उसके बाद हम अपना कुछ खाएंगे। अरे भाई क्या खा रहा? भी तो अकेले अकेले हैं। सूखे गोलगप्पे? कौन से वाले? सूखे सूखे। सूखे सूखे? अच्छा तो क्या कहते हैं, मजा आ गया तेरा? पापा बहुत टेस्टी है। ये टेस्टी तो अकेले खाएगा तू? है नहीं नहीं शेयर करेंगे। नहीं खा लो आप, शेयर क्यों करोगे? नहीं कैसा है पापा? बढ़िया।
बाबा बढ़िया है। मजेदार। लिक्विड फॉर्म ज्यादा ले। आपको कैसा है? नहीं भाई मजा आ गया। आपको आ गया पापा मजा? लास्ट बाइट पापा। देखो कुकर बना रहे हैं। क्या हो गया पापा, गुस्सा कैसे हो गया? लिख कर दो। पापा लिख कर दो। स्टैंप पेपर पे लिख करके दूं तुझे? अरे नहीं नहीं पापा, लास्ट बाइट मुझे दे देते हैं। पापा ने मुझे नहीं दी। पापा गलत बात, आपने लास्ट बाइट मुझे नहीं दी।